रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। सागर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। यह प्रतिमा पीतल या अष्ट धातु से निर्मित की जाएगी। यह बुंदेलखंड की पहली और इकलौती ऐसी प्रतिमा बनने जा रही है। अद्भुत प्रतिमा की खासियत यह रहेगी कि इसे आराध्य मानने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा अपने दान से बनवाया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि घर के टूटे फूटे पीतल कांसा धातु के बर्तन दान करें, लेकिन लोगों में आस्था ऐसी कि कई सोने चांदी भी दान कर रहे हैं। श्रद्धालु को बाकायदा इसकी रसीद भी दी जा रही है। इस प्रतिमा का निर्माण शहर के धर्मश्री इलाके में विराजे बालाजी मंदिर परिसर में किया जाएगा। मंदिर समिति के लोगों के द्वारा ही अपील के बाद श्रद्धालु दान करने पहुंचते हैं। मंदिर के बाबा प्रकाश चंद बताते हैं, एक एक भक्त उनका इतना सक्षम है कि वह अकेला ही भगवान राम की 51 फीट की मूर्ति जब चाहे तब निर्माण करवा सकता है। लेकिन जब हजारों लाखों श्रद्धालुओं द्वारा इस प्रकार अपने घर से लाई हुई किसी वस्तु का दान दिया जाएगा, तो उनमें भाव रहेगा कि इस मूर्ति में हमारा भी सहयोग और भव्य और आकर्षक प्रतिमा लगेगी। राम नाम का जप करते हुए प्रतिमा लगाई जाएगी। बाबा ने बताया कि भक्तों द्वारा पीतल और कांसे के बर्तन के साथ ही सोने और चांदी का भी दान किया जा रहा है। कई लोगों में इतनी श्रद्धा है कि यदि घर में पुराने टूटे बर्तन नहीं हैं, तो नए बर्तन खरीद कर भी दान करके जा रहे हैं। बालाजी की कृपा से जल्द ही आराध्य श्री राम की प्रतिमा यहां स्थापित हो जाएगी। इसकी प्रेरणा लगभग एक वर्ष पहले श्री बालाजी महाराज ने मुझे दी थी कि यहां पर इस मंदिर परिसर में श्री राम जी की, प्रभु श्री राम जी की 51 फुट की मूर्ति को विराजमान करना है, जो कि अष्ट धातु या पीतल की होगी। इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी कि भक्तों के द्वारा जो उनके पास टूटे फूटे गैर उपयोगी बर्तन हैं, धातु हैं, वो दान में ली जाए और उसके द्वारा अपन को इस मूर्ति का निर्माण कराना है, जो कि मंदिर प्रांगण में स्थापित होगी। 51 फुट की मूर्ति रहेगी। इस प्रकार की मूर्ति अपने बुंदेलखंड में सागर के आसपास कहीं भी नहीं रहेगी और बड़ी ही भव्य और दिव्य मूर्ति रहेगी। इसके आसपास बहुत ही सजावट रहेगी और बड़े क्षेत्र में रहेगी। लोग परिक्रमा भी करेंगे श्री सीताराम जी का जाप करते हुए, नाम लेते हुए। ऐसी ये अद्भुत प्रतिमा स्थापित सागर दरबार में, बालाजी मंदिर में होना है। गुरु जी, और यहाँ पर ये जो भक्तों के द्वारा दान किया जा रहा है, कैसा उनमें ये तो ध्यान देता है? धीरे धीरे लोगों में अच्छा रुझान है दान देने में। सबका दान थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। टूटे फूटे बर्तन, धातु है, लोटा है, गिलास है, थालियाँ हैं, सभी प्रकार की तांबे की हैं, पीतल की हैं, कुछ कांसे की भी बर्तन ला रहा है, कुछ थोड़ा बहुत सोना चांदी भी दान पेटी रखी हुई उसमें डाल के जाते हैं। और ये तो बालाजी महाराज ने भक्तों के कल्याण के लिए मूर्ति विराजमान कर रहे हैं। जो भी बालाजी मंदिर पर कार्य होता है, भक्तों के कल्याण के लिए ही श्री बालाजी महाराज वो योजना शुरू करते हैं। बालाजी का उद्देश्य है श्री राम जी की कृपा सबको मिले। उन्होंने बोला है, दान तो एक बहाना है, प्रभु श्री राम जी की कृपा जन जन को जलाना है। दान तो एक बहाना है, प्रभु श्री राम जी की कृपा जन जन को जलाना है। वो तो किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा दे के इतनी बड़ी मूर्ति बनवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पर वो चाहते सबका सहयोग लगे, सबको लगे कि हजारों लाखों लोगों को लगे कि हमारी मूर्ति है, हमारा भी इसमें दान है, हमारी मूर्ति, हमारा भी इसमें दान है। अपने प्रभु श्री राम जी हैं, मतलब मूर्ति के माध्यम से सब भक्तों को ऐसा लगे। इस प्रकार की योजना श्री बालाजी ने प्रारंभ की है कि इसका इससे भक्तों का कल्याण हो, भक्तों को प्रभु श्री राम जी की कृपा दया मिले। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959, 8818158811।